अभी कश्मीर के लाल चौक पर हम मौजूद हैं। इतनी मतलब बता नहीं सकते, ये मोहब्बत जीता है, नफरत हारी है। लाल चौक को लेकर कहा जाता है बहुत सेंसिटिव है, वहाँ पहुँचेंगे नहीं झंडा। इसमें कभी बात उठी है एकता की तो सबसे पहला देश नाम हमारे देश भारत का आया। उनका मनसा ये थे कि लाल चौक पे ये भारत जोड़ो यात्रा ना पहुँचे, लेकिन जनता का जो ये प्यार है, लाखों लोग यहाँ इस लाल चौक पर पहुँच कर के। इस वक्त आप लाल चौक की तस्वीर देख रहे हैं, ये एक ऐतिहासिक तस्वीर है। आज से पहले आजादी के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस तरीके से आकर झंडा फहराया गया हो, वो भी लाल चौक पे। जिस तरीके से कन्याकुमारी से शुरुआत की गई थी, अभी कश्मीर के लाल चौक पर हम मौजूद हैं और जोश जुनून देखिए, क्या कहना चाहेंगे। हमारा एक ही संदेश है, राहुल गांधी जी जिस भावना से निकले थे नफरत को मिटाने के लिए और मोहब्बत की दुकान को सजाने के लिए, आप खुद देख सकते हैं राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में कितना सामान हो चुका है, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। सोचा था कि लाल चौक पे इस तरीके से कभी झंडा फहराए। सर, किसी इंसान जो इंसान अपने एक मेहनत से और एक अपना मतलब ये दृढ़ संकल्प लेकर चले, और वो ऐसा कोई काम नहीं है जो पूरा हो। सोचने का विषय नहीं था, ये हिंदुस्तान के प्रति आत्मीयता है, हिंदुस्तान के प्रति जो प्रेम है राहुल गांधी जी का, उनको पता था इस देश के अंदर जम्मू एंड कश्मीर को किस प्रकार से परोसा गया है। उसी मोहब्बत के पैगाम को लेकर हम हिंदुस्तान के पूरे कोने कोने तक बताना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को आपने जिस प्रकार से परोसा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर भी देश के लिए प्रेम है, वही तिरंगा है। जो लोग बाहर रहते हैं वो लाल चौक पे आने से भी कई बार कतराते हैं। बिल्कुल, अगर इस प्रकार की किसी भी प्रकार के मेरे युवा साथियों के देश के अंदर कोई भी ऐसी बात है तो आपको बताना चाहता हूँ, जब भी आप जम्मू एंड कश्मीर आइए, लाल चौक में दिलेरी से आइए, इस लाल चौक के अंदर राहुल गांधी जी ने प्रेम की दुकान, मोहब्बत की दुकान खोल के रखी है और इस देश को संविधान के हिसाब से आगे लेकर जाएंगे राहुल गांधी जी। जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा था कि लाल चौक पर झंडा फहराएंगे, उसी तरीके से फहराएगा। ये देखिए झंडा जो है सामने, ये ऐतिहासिक पल आप सामने देख रहे हैं, ऐतिहासिक क्षण जो है वो आप देख रहे हैं। तमाम जो काम कांग्रेस के कार्यकर्ता है, बड़े नेता है, वो तमाम जो है यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे ऐतिहासिक पल को देखते हुए? बड़ी खुशी हो रही है, आज 135वां दिन है इस भारत जोड़ो यात्रा को, और राहुल गांधी जी का मिशन है कि इस देश के अंदर अमन चैन शांति हो, नफरत के खिलाफ ये यात्रा है। तो जिस तरीके से लाल चौक को बाहर बताया जाता है, दिखाया जाता है कि भैया लोग भी कतराते आने से, आज झंडा फहराए। देखो जो केंद्र की सरकार है वो झुक चुकी है, वो इसलिए कि उनका मनसा ये थे कि लाल चौक पे ये भारत जोड़ो यात्रा ना पहुंचे, लेकिन जनता का जो ये प्यार है, लाखों लोग यहाँ इस लाल चौक पर पहुँच करके राष्ट्रीय ध्वज फहराए। साथ में आपको बताऊँ कि चारों तरफ जहाँ भी देखिए ये छोटी छोटी खिड़कियां हैं, यहाँ भी फोर्स तैनात किए गए हैं। दूसरी तरफ एक बार सामने दिखाइए, देखिए पीछे भी जो है वो फोर्स तैनात है। सामने एक बार दिखाइए, जरा सामने दिखाइए, लाल चौक के सामने दिखाइए, सामने ही फोर्स तैनात है और यहाँ पर जो है वो झंडा फहराया गया है। ये वही लाल चौक है जो अपने आप में इतिहास बयां कर रहा है आज, और तमाम लोग जो है यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए तमाम लोग क्या कहना चाहेंगे आज ऐतिहासिक क्षण को, क्या कहना चाहेंगे इस ऐतिहासिक क्षण को? ये इतिहास में आगे हमें, हमने अपने जो बच्चों को दिखाना था इतिहास में ज्यादातर करके हमने आज दिखा दिया। जिस प्रकार से देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, जिस तरीके से सरकार अन्याय कर रही है देश की जनता के साथ, सिर्फ 5 पूंजीपतियों के लिए पूरा देश बिक्री कर दिया है, ये यात्रा उनके खिलाफ है और यात्रा आज सफल हुई है। हम कन्याकुमारी से, हमारे नेता जब कन्याकुमारी चले थे तो कहा था 2-4 स्टेट बाद बंद हो जाएगा, लेकिन आज फाइनली लाल चौक पे पहुंच। ये आप सबका प्यार है, देश की जनता का प्यार है, हमको इतना सपोर्ट मिला हर देश हर प्रदेश में से, जो आज हम यहाँ कन्याकुमारी कश्मीर पहुंच गए। कन्याकुमारी से सुशील मल्होत्रा, पंजाब से। डर का माहौल जो पैदा किया हुआ है पूरे विश्व में, पूरे इंडिया में, तो वो यहाँ पर आप कर देख सकते हो, कोई डर का माहौल नहीं है यहाँ पे। सब ऐसे ही अखबारों में ये मीडिया द्वारा बसाया जा रहा है, यहाँ प्रेम का संदेश है। हम पिछले 3 दिन से यहाँ पर हैं और पूरा प्रेम जो है
बरसाया जा रहा है जनता की तरफ से। देश की मीडिया यहाँ पहुंच चुकी है और जिस तरह का माहौल लाल चौक को लेकर बताया जा रहा था, कश्मीर को लेकर बताया जा रहा था, उस तरह का माहौल जो है बिल्कुल यहाँ पर नहीं है। देखिए तमाम लोग जो है वो पहुंचे, क्या कहना चाहेंगे, ऐतिहासिक क्षण, ऐतिहासिक पल, जिस तरीके से कन्याकुमारी से लेकर आज कश्मीर तक यात्रा पहुंची। देखिए आज बहुत खुशी का माहौल है, हम लोग खुश है कि जो नफरत हमारे हिंदुस्तान में फैलाई जा रही थी वो नफरत है ही नहीं, वो सिर्फ चैनलों के माध्यम से फैलाई जा रही थी। आज हम लोग बहुत खुश है कि आज भाईचारे का जो संदेश है वो लेके हमारे नेता और हम लोग जो है कन्याकुमारी से लाल चौक को लेकर कहा जा रहा था बहुत सेंसिटिव है, वहाँ पहुंचेंगे नहीं, झंडा फहराया नहीं दिया जाएगा, ये सब एक जो टीवी पे दिखाए जाने वाला ढकोसला था वो साबित हुआ है। यहाँ पे हमें बहुत प्यार और लोगों की बहुत मोहब्बत मिली है, अमन है, चैन है और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। तमाम जो है वो कार्यकर्ता नेता सभी लोग यहाँ पर है और बता रहे किस तरीके से उनके लिए एक ऐतिहासिक क्षण है और पूरे देश के लिए शायद पहली बार इस तरीके से हुआ है कि इतने कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं के लिए। ये मोहब्बत जीता है, नफरत हारी है और जिस तरह यहाँ के लोगों ने अभूतपूर्व प्रेम, करुणा, सहयोग, प्यार और अपनापन दिखाया है, निश्चित तौर से हम सब लोगों के लिए एक ऐतिहासिक पल है, ऐतिहासिक क्षण है। नहीं, इसके लिए भी बीजेपी कहेगी भैया 370 हटाया इसलिए जो आज तमाम कांग्रेस यहाँ पहुंच पाए हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये बीजेपी सरकार है जो सेना के साथ कितना बड़ा दुर्वर्ताव की है, CRPF और तमाम पारा मिलिट्री फोर्स के बारे में, जो इनका पुराना पेंशन था, हाई कोर्ट से ये जीत चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट से जीत चुके हैं, उसके बाद भी अब तक इन लोगों को वो लागू नहीं किया सरकार ने। पदोन्नति की बात करिए, 12-12 साल से असिस्टेंट कमांडेंट के पोस्ट पर पड़े हैं, उनकी पदोन्नति नहीं हो रही है। मैं समझता हूँ कि अगर किसान की बात करना, नौजवान की बात करना, गरीब की बात करना गलत है तो आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ तो हम लोग रोज करेंगे। हाँ। नहीं ये बताइए, इस जगह को, इस क्षेत्र को सेंसिटिव बहुत माना जाता है कि भैया यहाँ पर जाना है, डरता है। ये तो भ्रम फैलाया है आप लोगों ने। हाँ। नहीं हमने नहीं फैलाया, नहीं मैं तो बता रहा हूँ गोदी मीडिया ने, किसने कहा सेंसिटिव है। हाँ। यहाँ के लोगों का प्यार देखा, मोहब्बत देखा, पलकों पर बैठाया लोगों ने, कंधे पर उठाया, घर में खिलाया, जो अपनापन यहाँ ना, जितनी हसीन वादियाँ हैं यहाँ की उतने खूबसूरत यहाँ के लोग हैं और मैं समझता हूँ कि यह हमारे लिए बड़ी जीत है। ये आगे क्या यहाँ पर यात्रा का जो है इस पल हाथ जोड़ो यात्रा शुरू है और हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा 2 महीने की चलेगी और आगे भी हम इस कार्यक्रम को और मजबूती। तमाम दल को आने की बात कही जा रही थी कि तमाम दल यहाँ कल आ रहे हैं। कितने दल आ रहे हैं? कुछ मुझे लगता है 21 दल से अधिक लोग आएंगे, दल से ज्यादा जो है। क्या कहना चाहेंगे मैडम, आज जिस तरीके से ऐतिहासिक पल है आज के लिए? मैं यही कहूंगे कि आदरणीय राहुल जी ने नफरत की बाजार में मोहब्बत का शोरूम खोल दिया है कश्मीर में आकर के। अच्छा, तो ये बताइए इस क्षेत्र को जिस तरीके से बताया जा रहा था, जिस तरीके से दिखाया जा रहा था पहले, और वो दिन और आज का दिन, मैं तो इसीलिए कश्मीर का ड्रेस पहनी कि कश्मीर में जितना प्यार है, जितना स्नेह है, जितना उत्साह है, वो ये भीड़ दिखाने के लिए काफी है। देखिए भैया तमाम लोग जो है वो काफी खुश दिखाई दे रहा है, चूंकि ये एक ऐतिहासिक दिन है और आज के दिन जो है शायद जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो कभी ना भूलें, क्योंकि आज का ही वो दिन है जहां पर जो है वो कन्याकुमारी शुरू होने के बाद कश्मीर तक जो है पहुंचे हैं। क्या कहना चाहेंगे आपके लिए? आज दिन बहुत बढ़िया दिन रहा, कश्मीर से ही है, ऐसे समझो। हाँ, बड़ा दिन रहा आज कश्मीर में, पूरे हिंदुस्तान को ये याद होना चाहिए, ये दिन कभी भूल नहीं जाएगा। आगे हम जीत जाएंगे कश्मीर में, कोई टेंशन नहीं, कांग्रेस तो जीत चुका है। आप कश्मीर से ही है? हाँ, कश्मीर से हूँ मैं। लाल चौक को लेकर जो बातें कही जाती थी और आज का दिन क्या कहना? उल्टा उल्टा सीधा बातें करे, पता नहीं कौन क्या है यहाँ पे, उल्टा नहीं, मोदी ने यहाँ पे बिल्कुल परेशानी उठाया, यहाँ पे कर दिया, बैठा कर, यहाँ बिल्कुल परेशानी किया मोदी साहब ने यहाँ पे। हम ये चाहते हैं कांग्रेस जरूर आने चाहिए यहाँ पे, एक ऐसा खुशी का माहौल और एक ऐसा दिन है कि शायद जो हमें उम्मीद भी नहीं थी कि आज कोई ऐसा नेतृत्व करेगा कि पूरे देश को फिर एक सूत्र बंधन में बांध देगा। नहीं ये बताइए कहा कह रहे थे कि भैया धारा 370 इस पे तो बीजेपी क्रेडिट लेगी ना, धारा 370 हट गया तो भैया इस वजह से फहरा लिया जाएगा। ये आज क्रेडिट 370 का नहीं है भाई साहब, क्रेडिट पूछना है तो यहाँ के उन वर्गों से पूछो, उन लोगों से पूछो जो आज परेशानियों से इस प्रदेश में, पूरे देश में, आज सिर्फ कश्मीर में नहीं, 370 हटाने से किसी को रोटी नहीं मिलती, 370 हटाने से किसी को नौकरी नहीं मिलती। मुद्दे पे आओ सरकार, अब जनता
जाग चुकी है, पूरा जन, पूरा देश के जनतंत्र और लोकतंत्र एक साथ खड़े होंगे, अपने इंसाफ के लिए लड़ेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे, जो हमारी संस्कृति है उसको फिर हम एक साथ खड़ा करेंगे मोहब्बत के साथ। कांग्रेस ने यहाँ से वहां सफर, आप कांग्रेस कार्यकर्ता है, नेता है, कार्यकर्ता है, बिल्कुल कार्यकर्ता, क्या कहना चाहेंगे आगे क्या रहेगा कांग्रेस? देखो जी, रणनीति हमारी हाथ से हाथ जोड़ो आंदोलन अभियान शुरू होगा 26 तारीख को। छोड़ने वाले नहीं है, लगातार छोड़ने वाले हैं। अब भैया ये देश को फिर, जो इस देश की ताकत है ना, पूरी दुनिया देखेगी कि इस देश ने फिर आगाज जब मोहब्बत का किया, जब जब विश्व में कभी बात उठी है एकता की, तो सबसे पहला देश, नाम हमारे देश भारत का आया है। लाल चौक पे खड़ा होकर कैसे महसूस कर रहे हैं? इतना गर्व महसूस हो रहा है, और हमारी यात्रा सफल हुई और इतनी खुशी हो रही है कि मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम हैं भाई भाई, और इतनी मतलब बता नहीं सकते, इतनी खुशी। इस लक्ष्य को लेकर आप लोग चले थे कन्याकुमारी से, क्या वो लक्ष्य पूरा हुआ? हाँ जी बिल्कुल, वो आपको सरेआम दिख रहा है कि हमारा लक्ष्य कंप्लीट हो चुका है। देखिए देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारत यात्री सभी लोगों को यहाँ से लेकर जाया जा रहा है, चूंकि फोर्स भी काफी यहाँ पर तैनात है। फिलहाल जो है तमाम लोग यहाँ पर जो है झंडा लेकर लाल चौक के सामने खड़े हैं, तो ये ऐतिहासिक पल है आगे के लिए, आने वाले जो पीढ़ी है उनके लिए भी है, चूंकि कन्याकुमारी से कश्मीर तक आना और कश्मीर में आने के बाद यहाँ पर झंडा फहराना बहुत बड़ी बात है अपने आप में। लगातार तस्वीर आपको दिखाते रहेंगे, फिलहाल के लिए नमस्कार।